What is up crazy people out there, this is Abhiru, welcome to the vlog. तो आज की वीडियो होने वाली है फीनिक्स के बारे में. फीनिक्स मेरा पेट बर्ड है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं कुछ सिनेमैटिक्स के साथ. Alright guys, तो फिनिक्स को आप लोग ने देख ही लिया होगा सिनेमैटिक शॉट्स में. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फ्री फ्लाइट बर्ड है. फ्री फ्लाइट का मतलब इसके विंग्स कभी काटे नहीं गए हैं और उसे ऐसे ट्रेन किया गया है कि वो एयर में फ्री फ्लाई करे और हमारे पास या फिर जो कॉल करे, जो उसका कमांडर है, उसके पास वो वापस आ जाए. और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स इसको बचपन से सिखाए गए हैं. इसके पीछे 2 साल की मेहनत है. इसके लिए वो प्रॉपरली फ्री फ्लाई करता है. जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मैं उसको बिल्डिंग के नीचे से उड़ाता हूँ और वो मेरे मॉम के पास जाता है उसको अगर करेंगे तब. तो वही वैसे देखा जाए तो फिनिक्स एक सन कनौर नाम का बर्ड है. ठीक है, सन कनौर. ठीक है, तो इन्हें सन पैराकीट्स भी बोलते हैं. ये नेटिव है नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका से और इसे ऐसा बहुत खेलना बहुत पसंद है. तो एक्चुअली ये रेड डबल फैक्टर है, मतलब उसके अंदर भी सन कनौर के अंदर भी टाइप रहता है. ये लो डबल फैक्टर, रेड डबल फैक्टर, तो ये वैसे रेड डबल फैक्टर है. और फिनिक्स बहुत ही ज़्यादा प्यारा बर्ड है. ठीक है, सन कनौर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है एज एन एक्सॉटिक पेट्स इंडिया के अंदर. तो ये टोटली लीगल है इंडिया में, इनको पेट करना लीगल है. जैसे हम बजीज रखते हैं और दूसरे पैरट्स रखते हैं बहुत सारे, तो वैसे ही सन कनौर भी आते हैं स्टेप अप इस तरह. तो जैसे मैंने तो स्टेप अप बोला तो स्टेप अप करता है. बोलूंगा किस में पक्के रहे, अब इसका मूड नहीं है. ये ऐसा बहुत ही ज़्यादा प्यारा बर्ड है. आप इसके ऊपर के कलर्स देख सकते हो. इसके ऊपर एक्चुअली 3 से 4 कलर है. रेड है, ऑरेंज है, येलो है और ग्रीन है. और उसके विंग्स का जो एंड है, एंड पार्ट जो है वो ब्लू है. ब्लू इज ऐसा लाइक अ पीकॉक कलर. तो वही, और इसके आईज वाइट है, मतलब जो आँखों की बॉर्डर है वो वाइट है. बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. मतलब अब ये एक फैमिली का एक ऐसा मेंबर है जिसको कॉन्स्टेंटली अटेंशन लगता है. मतलब आपने मेरे इग्वानास देखे होंगे और दूसरे एनिमल्स देखे होंगे. अगर नहीं देखे तो फटाफट जाके देखो, दूसरे वीडियोस इग्वाना की बनाए हैं. ये ऐसा मेंबर है आप फैमिली के अंदर जिसे बहुत ही ज़्यादा अटेंशन लगता है. अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो ऐसे भी वही खाना है. और इसको जो मैं करता हूँ, अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो इसे पानी चाहिए. अगर मैं कुछ दूसरा काम कर रहा हूँ तो इसे भी वही काम करना होता है. अगर मैं फोटो खींच रहा हूँ तो ये फटाक से उड़ के आ जाता है और फोटो खींचता है. आप जैसे कि देख रहे हो मैं वीडियो ले रहा हूँ तो वो कितना क्यूरियस है, वो देख रहा है कि क्या है क्या नहीं, वो उड़ के नहीं जा रहा है. तो ये यूजुअली घर पर ओपन ही रहता है. और इसका एक छोटा केज भी है. ठीक है, इसका एक्चुअली 2 केज है. अगर मैं इसको कहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसका एक ट्रैवलिंग केज है और इसका एक मेन केज है. कभी कभी ये घर पे बहुत परेशान करने लगता है. कभी कभी अगर मैं कुछ काम में हूँ या मम्मी कुछ काम कर रही है किचन में, तो ये शायद बार बार जाके मॉम को डिस्टर्ब करेगा या कुछ भी है. तो इसको कभी कभार बहुत कम टाइम इसको केज के अंदर रखते हैं. पर यूजुअली ये घर में ओपन रहता है और ये सब लोग से फ्रेंडली है. मतलब मेरे सारे इग्वाना से फ्रेंडली है, इवन जेम्स से वो फ्रेंडली है. जेम्स मेरा कैट है तो वो उससे भी फ्रेंडली है. और बहुत ज़्यादा जगह पे ऐसा होता है कि बर्ड्स और कैट्स इनका जमता नहीं है या उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पेट ओनर बोलते हैं कि बर्ड और कैट को एक साथ मत रखो. पर ऐसा इसमें और जेम्स में बिल्कुल नहीं है. वो दोनों में एकदम प्रॉपर बॉन्डिंग है, वो दोनों एक साथ खेलते हैं. ये उसके ऊपर जाके बैठता है, ये वो उसकी केयर करता है. जेम्स घर के बाहर जाएगा तो फिर वो चिल्लाता है उसके ऊपर
और ये कभी कभार हंस देता है। हाँ जी, तो बहुत सारे पैरट्स आपको लगते होंगे कि टॉकिंग करते हैं, करते भी है, पर ये सन कॉर्नर है ये टॉकिंग के अंदर उतने एक्सपर्ट्स नहीं है। ये थोड़े बहुत वर्ड्स बोलेंगे, थोड़े थोड़े शब्द बोलेंगे, पर ड्रिल्स जो जो होते हैं, जो एक्सरसाइज होते हैं, वो प्रॉपर करते हैं। जब आप किधर से ले गया, बहुत सारे जो ड्रिल्स होते हैं ये वो प्रॉपरली करता है। जैसे आप देख रहे हो उसको कंधों पे रहने की आदत है, इसलिए बार बार शोल्डर पे आ रहा है। आप बोल रहे हो कि यार वो आपके हाथ से कंधे पे क्यों जा रहा है, तो मैं उसको ऐसे ही कंधे पे लेके घूमता हूँ। और बहुत ज़्यादा लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि यार बर्ड्स को बाहर मत लेके जाओ, या उसको फ्री फ्लाई नहीं कराओ इंडिया में। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप अपने बर्ड को प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हो तो दूसरे जो प्रेडिटर बर्ड्स हैं उनका भी, उनके मतलब उनसे भी इनको इतना ज़्यादा डरने का बात नहीं है, क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल पर उड़ते हैं और वो अपने ओनर के आसपास उड़ते हैं, ठीक है। और प्रेडेटर बर्ड से तो डर ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही डर नहीं है, पर कुछ भी हो सकता है। पर उनको जो फ्री फ्लाई करने का मज़ा है वो कुछ और है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। मतलब अगर आप एक बर्ड को पिंजरे में रख रहे हो और वो पिंजरे के अंदर ही उसकी पूरी लाइफ स्पेंड कर रहा है, तो उसमें कुछ बात नहीं है गाइस। कभी आप उनको ट्रेन करके देखो और उनको फ्री फ्लाई करा के देखो, जो जो एक थ्रिल, एक जो सुकून मिलता है ना दिल को, कि ये बर्ड जो फ्री है, अपनी इतनी सुनता है, जो उड़ के अपने पास वापस आ रहा है, वो भी ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत डिस्टेंस है, बहुत बहुत लंबे डिस्टेंस है। अभी फ़िलहाल बारिश है, इसके लिए मैं उसका प्रॉपर फ्री फ्लाइट का वीडियो नहीं बनाया। और बॉम्बे का वेदर तो आप सब लोग को पता है, अचानक से बारिश हो रही है, अचानक से धूप आ रहा है, तो उसके लिए उतना फेवरेबल नहीं है। और वही फिनिक्स अभी 2 साल का है, मुझे पता नहीं ये मेल है या नहीं, क्योंकि मैंने इसका DNA नहीं करवाया है। क्योंकि बर्ड्स के अंदर हम जैसे इग्वानास को देख के बता देते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, तो वैसे बर्ड्स के अंदर नहीं होता है। बर्ड्स के अंदर इनका DNA कराना होता है, तो वो मैंने इसका अभी तक किया नहीं, क्योंकि मुझे इसको ब्रीड वगैरह करने का इतना कुछ शौक है नहीं, ना किसी और एनिमल्स को। पर देखूंगा अगर मुझे आगे कुछ चांस मिला, या उनकी एक नीड है, ठीक है, हर एक की एक नीड होती है जो हमें फुलफिल करनी चाहिए, जो एक नेचर का लॉ है, तो देखेंगे इसके बारे में। और भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो मैंने इसको कभी वीडियो में लिया नहीं था और बोला था मतलब कि आपको सारे एनिमल्स दिखाऊंगा, पर मैं सोचा कि उन्हें आपको धीरे धीरे एक एक करके सारे दिखाऊं और वैसे ही मज़ा आ जाएगा। तो और कुछ एनिमल्स भी ऐड होने वाले हैं जैसे मैंने आपको बताया है, तो वो ऐड होने के बाद हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, है ना फिर, है ना। तो बढ़ते हैं इसके डाइट की तरफ। सन कॉर्नर्स या पैरट्स, यूजुअली पैरट्स जो नॉर्मल डाइट खाते हैं वही सन कॉर्नर्स भी खाते हैं, ठीक है। इन्हें फ्रूट्स खाना पसंद है और इन्हें स्प्राउट्स और सीड्स खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रूट्स, स्प्राउट्स और सीड, ये 3 मेन डाइट है। मैं इनको बहुत तरह के फ्रूट्स देता हूँ, बहुत तरह के सीड्स देता हूँ, जैसे मिक्स सीड्स मिल जाते हैं पेट शॉप्स पे वगैरह, और स्प्राउट्स भी देता हूँ, मूंग की दाल देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स मैं इनको खिलाता हूँ, और इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर इसे हम जो खा रहे हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मतलब अगर मैं इसको सारी चीज़ें भी एक साथ दूँ और अगर मैं मेरे प्लेट के अंदर कुछ और चीज़ लेके बैठूँ, तो इसे वही खाना होता है जो मैं खा रहा हूँ। तो इसकी ये बहुत गंदी आदत है और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कभी कभी। बहुत सारे पेट ओनर का ये कहना है कि सन कॉर्नर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं घर में और डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। तो इसके लिए मैं आप सब लोग को एक ही सोल्यूशन दूंगा कि आप अपने जो पेट है, अपना जो पेट बर्ड है, उसको समझो, ठीक है। हर एक एनिमल अलग होता है, हर एक एनिमल की मेंटालिटी अलग होती है, ठीक है। बिहेवियर मोस्टली अगर समझो एक स्पीसीज है, उसका बिहेवियर हम कभी कभार प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर एनिमल टू एनिमल वाइज उनकी मेंटालिटी, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज होते रहती है। तो वैसे अपने अपने एनिमल को टाइम दो, उनको समझो, और फिर देखना वो आपसे कितना घुल मिल जाता है, एक अच्छा बॉन्ड तैयार हो जाता है। जैसे कि आप इसे और मुझे देख रहे हो, उसको समझ रहा है मैं कुछ बता रहा हूँ, तो वो ग्राफ कर रहा है कि अरे यार ये कुछ बोल रहा है और मुझे वहाँ पे देख रहा है, इसलिए वो इतना स्टडी बैठा है, ठीक है। मैं आपको तो उसके विंग्स भी दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल कटे हुए नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पैरट्स के विंग्स काट देते हैं और उन्हें घर में खुला रखते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो खुला ही है पर ऐसा है उड़ जाएगा ये वो फॉर सेफ्टी रीजंस। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि ये बात पूरी गलत है, वो उनके बर्ड के सेफ्टी के लिए वो करते हैं, पर मुझे वो कुछ पार्ट से मतलब थोड़ा बहुत गलत भी लगता है कि यार उसके खुद के पर है और वो इतने खूबसूरत दिखते हैं और उन्हें हम काट देंगे और फिर आगे जो सारी चीज़ें होंगी, तो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मैं इनके नेल्स कभी कभार फाइल कर देता हूँ क्योंकि इसके नेल्स शार्प हो सकते हैं। और विंग्स के बारे में मैंने इसको बचपन से अभी तक एक भी बार इसके विंग नहीं टच किए या फिर कट किए या जो भी। तो वो इसे नहाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे हम पानी का बाउल उसके अंदर वो घुस के नहाएगा। मैं शायद से ये डालूंगा क्योंकि अभी इसने थोड़े एक दिन पहले ही नहाया था, कभी कभार रोज ही नहाता है, थोड़ा गंदा है मेरी तरफ।
पर मैं रोज नहाता हूँ और सब लोग को रोज नहाना चाहिए, और जितना क्लीन रहोगे उतना सारे बीमारियों से दूर रहोगे, और जितना हाइजीन मेंटेन करोगे उतने ही आप सेफ रहोगे। तो बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है कि जो पैरट्स है वो फीमेल्स की बातें ज़्यादा सुनते हैं और उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मेरे भी घर पे कुछ ऐसा ही सीन है, फीनिक्स मम्मी से इतना ज़्यादा प्यार करता है और इतना ज़्यादा उससे लगाव है कि अगर समझो मैं उसको खाना भी खिला रहा हूँ या उसको मैं पूरे दिन देखभाल कर रहा हूँ और अचानक से मम्मी उसको एक आवाज़ दे दे तो वो कहीं से भी उड़ के उसके पास चले जाता है। जैसे कि आप लोग ने वीडियो में देखा, मैं उसको नीचे लेके जाके घुमा रहा था। उसे घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल है, बहुत ही ज़्यादा खेलता है कूदता है। और एक बर्ड रखो क्या ना, जब आप घर पे अगर कोई बर्ड ओनर है वो इस बात को रिलेट करेगा, तो कभी आप अपने घर पे बर्ड रखोगे और एक घर के अंदर एक अलग ही एटमॉस्फेयर बन जाता है, एक अलग वाइब रहती है घर के अंदर और इतना पीसफुल इतना चेयरफुल एटमॉस्फेयर रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे बर्ड रखने में। मुझे बर्ड्स के अंदर इतना ज़्यादा भी शौक नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बर्ड्स रखूँ, ये वो पर्सन कनौर एक बहुत ही अच्छा चीज़ है और डेफिनेटली आप उसे घर पे रख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। फिनिक्स अभी फ़िलहाल 2 साल का है और ये जब भी मैं इसको सपोर्ट फीड पे लेके आया था अपने घर पे, सपोर्ट फीड इन द सेंस वो सेल्फ फीड करता था पर मुझे उसे एक बार हैंड फीड कराना पड़ता था, तो दिन में एक बार उसे हैंड फीड कराता था। और मुझे लगता है कि सपोर्ट फीड वाला जो टाइम रहता है बर्ड्स के लाइफ में वही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक अच्छा बॉन्ड तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खुद के बारे में भी समझने लगता है और उसका ट्रस्ट अपने पे भी आने लगता है कि जैसे हम उसको सपोर्ट फील करते हैं। अगर आप कभी बर्ड लोगे तो यूजुअली देखना कि अगर वो सपोर्ट फील के ऊपर है, इससे क्या होगा कि उसकी और आपकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको बर्ड्स वगैरह ट्रेन करना है और अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको श्योरली हेल्प करूँगा सारी चीज़ों में। तो यही था फीनिक्स और आज की वीडियो पूरी थी इसके ऊपर। तो अगर आपको फीनिक्स पसंद आया या आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में फटाफट बता देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके जाना अगर नए हो तो, और अगर नए हो तो नए नए वीडियोस मतलब जो पुराने वीडियोज़ हैं मैंने अपलोड करके रखे हुए वो ज़्यादा देख लेना, बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब है। अगर ये वीडियो पसंद नहीं आए तो आपको दूसरी वीडियो पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो इट इज़ वर्थ सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और वही तो ये है फीनिक्स एंड दिस इज अभिरू साइनिंग आउट।